एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक जेरे गर्दश कर्जों का फौरी खात्मा किया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल वाले सार्फिन को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। दीगर सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। बिजली की बड़ी तकसीम कार कंपनियों को मरहलावार छोटी कंपनियों में तब्दील कर दिया जाएगा। बिजली की दरामद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीही बुनियादों पर तामीर किया जाएगा। कोयले से बिजली की तैयारी के लिए थर ब्लॉक में मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है 1 अगस्त से लागू होगा। डोमेस्टिक टैरिफ में तब्दीली जो है वो 1 अक्टूबर से आएगी और उसमें 200 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो सार्फीन हैं उनके टैरिफ में कथित तौर पे कोई तब्दीली नहीं की जाए। नई पॉलिसी में सिंगापुर की तर्ज पर तवानाई के शोबे में सरमायाकारों को रागिब किया जाएगा। कोयले, पनबिजली और बायोमास मंसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। महंगी बिजली तैयार करने वाले पावर प्लांट्स को गैस और कोयले पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। बिजली चोरी से होने वाले नुकसान में 50% कमी और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। एनर्जी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, कुछ एनर्जी सिटीज अनाउंस की जाएंगी अगले कुछ महीनों के अंदर। गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी ताकि आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, वो आएं, वो प्लग करें और अपनी बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। हुकूमत ने 5 साल में बिजली की पैदावार 26,824 मेगावाट तक लाने के अज़्म का इजहार किया है। नई पॉलिसी के मुताबिक पैदावारी लागत में कमी के लिए मरहलावार इकदाम किए जाएंगे। बिजली की फी यूनिट पैदावारी लागत 10 रुपए से कम की जाएगी। कैमरामैन तनवीर कुरैशी के साथ मियां शाहिद, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।